हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। सो गाइस, आज के टाइम में हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल बहुत ज्यादा घने, लंबे और काले हों, बट इसके लिए जो करना चाहिए वो तो हम करते नहीं हैं। यस, बालों में ऑयलिंग, और हम वही करना भूल जाते हैं। आपने देखा, पहले के टाइम में हमारी दादी नानी कितनी ज्यादा हमारे बालों में ऑयल लगाती थी, और यही कहते सुना है कि बालों में ऑयल लगाने से बालों को मजबूती मिलती है, बाल काले घने लंबे होते हैं। बट अब वो जमाना तो रहा नहीं है, हमें खुद ही हमारे बालों में ऑयलिंग करनी पड़ती है, और जिस वजह से क्या होता है, हम कभी तो ऑयलिंग करते हैं, कभी ऑयलिंग नहीं कर पाते हैं। इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि बालों में ऑयल लगाएं। कई बार तो बिना ऑयलिंग ही हम बालों में शैम्पू कंडीशनर करके वापस बाहर आ जाते हैं। कई कई गर्ल्स को मैंने देखा है कि वो एक एक दो दो महीने तक बालों में ऑयलिंग करती नहीं है, जिस वजह से उनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जिस तरीके से हम फेस को बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, उसी तरीके से हेयर के लिए भी हमें हेयर की केयर करनी पड़ती है, तभी जाके बाल सॉफ्ट, मजबूत, काले, घने, लंबे होते हैं। तो आज के मेरे वीडियो में यही दिखाऊंगी कि बालों में किस तरीके से आपको ऑयलिंग करनी है, जिससे बालों को नई मजबूती मिले, बाल घने, लंबे, काले हो, और अगर आपके बाल सफेद भी हो गए हैं तो सफेद बाल भी काले हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, बालों में ऑयलिंग से पहले हम हेयर मसाज करेंगे, तो मैं ये हेयर मसाजर से बालों को अच्छे से मसाज करूंगी, अपने स्कैल्प की मसाज करूंगी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ, उससे पहले मैं इसी से बालों की मसाज करती हूँ, और ये मैंने मीशो से लिया है। सो बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छे से वर्क करता है, और इसे मैंने ओनली 100 रुपीज़ के अंदर अंदर लिया है, 85 या 95 रुपीज़ का ही मुझे मिला है, बट ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है, और इतना इजीली, इतना स्मूथ मसाज करता है, और इसके जो ब्रश वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हैं। एक हार्ड वाले भी आते हैं, बट ये बिल्कुल सॉफ्ट है, और इसको जब भी मैं करती हूँ इतना रिलीफ होता है, और मुझे नींद आने लग जाती है। और इससे आपको इस तरीके से बैक में भी करना है, आपको सारे बालों को आगे की तरफ लेना है, और उसके बाद इससे अच्छे से आपको 5 से 10 मिनट्स तक मसाज करनी है, और उसके बाद बारी आती है ऑयलिंग की। तो मैंने यहाँ पर जो DIY ऑयल बनाया था, मैं वही ऑयल ले रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल ले सकती हैं, बट आपको अपने बालों में ऑयलिंग लगानी है और अच्छे हाथ से मसाज करनी है। इस तरीके से आप अच्छे हाथों से अपने दोनों बालों में मसाज कीजिए। पहले तो हमारी दादी नानी हमारे बालों में, या घर का कोई भी बड़ा होता था, वो बालों में ऑयलिंग कर देता था, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ में मिलता था, और बालों में अच्छे से ऑयलिंग भी लग जाता था। बट जब से हम बड़े हुए हैं, सारे काम हम खुद ही करने लग गए हैं, तो जिस वजह से ऑयलिंग नहीं कर पाते हैं। ऑयलिंग हमारे बालों में एक पॉलिश का काम करता है, बालों को चमक लाता है, मजबूती देता है, सॉफ्टनेस देता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो गई है, बाल बहुत ज़्यादा दो मुँह के हो रहे हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। तो जब भी आपको टाइम मिले, सप्ताह में 2 बार आप ज़रूर बालों में ऑयलिंग किया कीजिए, चाहे तो आप नहाने के 1 घंटे पहले किया कीजिए, बट मैं ओवरनाइट ही ऑयलिंग अपने बालों में लगाती हूँ, जिससे अच्छे से पूरी नाइट मेरे बालों में ऑयल लग जाए, और दूसरे दिन मैं हल्के गुनगुने पानी से अपने बालों को धो लेती हूँ। तो इस तरीके से दोनों हाथों से आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी है, और जब आप अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर लें, अच्छे से लग जाए 10 मिनट्स तक, उसके बाद आप वापस एक बार मसाज करिए। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन तो इम्प्रूव होगा ही होगा, साथ ही जो ऑयल है वो आपके बालों में अच्छे से लग जाएगा, और आपको ऑयल स्कैल्प से लगाना है नीचे तक, रूट्स तक, जिससे बालों की ग्रोथ भी बढ़े। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है तो वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑयल कीजिए, और उसके बाद बालों को बंद बना लीजिए और बांध लीजिए। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।